कसर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी दिखा, जहां एकात्म परिसर में भाजपा नेताओं ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। भाजपा नेताओं ने इसे केंद्र सरकार की योजनाओं का नतीजा बताया और कहा कि गुजरात के लोगों ने विकास के मोदी मॉडल को तरजीह किया है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव और हिमाचल में भाजपा को शिकस्त मिली हो, लेकिन गुजरात में ऐतिहासिक जीत के जो जश्न है एकात्म परिसर में भाजपा कार्यकर्ता मना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है, भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जो है इस जीत का जश्न मना रहे हैं और भाजपा जन जो है काफी उत्साहित भी है। यहाँ पर जो है बकायदा जो है गाना बजाना भी चल रहा है और भाजपा जो है लगातार जो है गुजरात में जो है अपनी सरकार बना रही है। कहीं ना कहीं जो है भाजपा जनों में काफी उत्साह का वातावरण यहाँ देखने को मिल रहा है और भाजपा ही जो है कहीं ना कहीं लगातार जो है हर राज्य में कांग्रेस को एक शिकस्त दे रहा है, जिसका असर भी जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। और आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और अब जो है भाजपा जनों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ी जीत मिली है गुजरात, वास्तविकता में ये जीत जो हुई है गुजरात में, मुझे लगता है कि विश्व स्तर का ये इतिहास बन चुका है, क्योंकि कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा पूरी दुनिया के कोई भी लोकतांत्रिक देश में कि 27 साल बाद भी वही पार्टी को विजय किया जा रहा है, वो भी पिछली बार की ज्यादा बढ़त के साथ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की जीत है, छत्तीसगढ़ भारत के आम नागरिकों की जीत है। हिमाचल और भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा को हार मिली, क्या लग रहा है यहाँ जनता ने नकारा? देखिए भानु प्रतापपुर का मैं बताऊँ, भारत देश की जनता समझदार है, उसको मालूम है कि अभी वर्तमान में जिसकी सरकार जिस राज्य में है उसकी सरकार के साथ चलना उचित है। और एक प्रकरण जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ में कांग्रेस ने किया, उसका भारतीय जनता पार्टी को नुकसान किया, उसने आम लोगों को गुमराह किया। जो है भारतीय जनता पार्टी को भानु प्रतापपुर में कहीं ना कहीं करारी शिकस्त मिली और यहाँ पर जो है भाजपा आरोप लगा रही है कि प्रशासन ने जो है प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। कांग्रेस जो है लगातार जो है भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ जो है दुष्प्रचार कर रही थी और लगातार इसका जो खामियाजा जो है छत्तीसगढ़ में भाजपा को भुगतना पड़ा है। पांचवी बार जो है उपचुनाव में जो है भाजपा को करारी शिकस्त मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है भाजपा जो इसे लेकर उत्साहित है कि भाजपा लगातार 27 वर्षों से गुजरात में लगातार सरकार बना रही है और इस बार जो है ऐतिहासिक जीत का जश्न जो भाजपा जन मना रहे। हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष जयंती पटेल, उनसे भी बात करने की कोशिश कर, लगातार जो गुजरात में जीत मिल रही है, क्या मानते हैं भाजपा को वहां पसंद कर रही है? देखिए गुजरात का मॉडल जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, वह किसानों के लिए सिंचाई का पानी, वह युवाओं के लिए रोजगार के लिए इंडस्ट्रीज का ऐसा क्लस्टर विकसित करना जहाँ पर गुजरात के युवाओं के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के यूपी बिहार छत्तीसगढ़ सारे लोग वहाँ रोजगार पाते हैं। वहाँ हीरा इंडस्ट्रीज है जिसमें उड़ीसा से लोग जाकर वहाँ पर रोजगार पाते हैं। ऐसे अनेक काम, नर्मदा जी के पानी को नहरों के माध्यम से जो सिंचाई का उन्होंने जाल बिछाया, यह किसानों का आशीर्वाद है, बेरोजगारों का आशीर्वाद है, जो उद्योगों के अंदर लगे हुए रोजगार लोग पाते हैं उनका आशीर्वाद है। मुझे लगता है कि सर्वांगीण विकास का ही परिणाम है कि 150 से ज़्यादा सीटें नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में हार मिली है, भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भी हार मिली है भाजपा को। देखिए हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास रहा है वह निरंतर परिवर्तन करने वाली जनता की सोच रहती है। हाँ ये जरूर था कि भारतीय जनता पार्टी को यह विश्वास था कि वहाँ भी भाजपा की सरकार की मैजिक नहीं चला वहाँ। देखिए मोदी जी का बहुत ज्यादा मैजिक जो होता है गुजरात से रिलेटेड, आप मानते हैं, सब लोग मानते हैं कि मोदी जी का गुजरात के अंदर अगर कम वोट आते तो मोदी जी का ग्राफ कम हो गया, यह मानते हैं। लेकिन आप जानते हो गुजरात के अंदर 150 से ज्यादा सीटें भाजपा ने पाई और कांग्रेस का प्रतिपक्ष का नेता ना बने, इससे बड़ी गर्त में कांग्रेस की हालत हो नहीं सकती। जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व का हाल है वैसा ही प्रदेश के नेतृत्व का हाल है। छत्तीसगढ़ इकाई यह मानकर चल रही है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव और हिमाचल में भले ही हार हुई है लेकिन गुजरात में एक बार फिर जीत का सेहरा भाजपा के सिर पर बंधा है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनोज नायक, फाइनेंशियल रायपुर।